गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। सो आज का व्लॉग कर रहा हूँ मैं अपने रूम से स्टार्ट, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज है मेरा यूनिवर्सिटी में एग्जाम सेकेंड। तो अभी तो टाइम है क्योंकि 2 बजे मेरा पेपर स्टार्ट होता है, तो अभी मैं थोड़ी देर पढ़ने वाला हूँ बैठ के कम से कम 11:30 या 12 बजे तक। उसके बाद हम निकलेंगे यूनिवर्सिटी और देखेंगे आज का हमारा एग्जाम कैसा होने वाला है। बाहर का हवा खाना चाहिए, तो सिर्फ पंखे का हवा खाते हैं, कभी बाहर की हवा खा ली। तो अभी आई वाज जस्ट स्टडिंग बट एक काम आ गया थोड़ा, आई हैव टू ब्रिंग सम मिल्क फॉर बेबी, छोटी के लिए दूध लेके आना है। वहीं जा रहा हूँ पहले दूध लाने, तो चलते हैं सबसे पहले दूध लेके आते हैं, उसके लिए फिर वापस चलेंगे अपने रूम में पढ़ाई करने। गर्मी बहुत हो गई है जम्मू में यार। ये ले लिया है हमने जो भी था, यहाँ इसको लगाते हैं और चलते हैं घर। चलते हैं यार अभी अंदर घर पे, उसके बाद बैठते हैं थोड़ी देर, 2 बजे एग्जाम है, 2 बजे तक वेट करते हैं, थोड़ा रिवाइज भी कर लूँगा मैं, उसके बाद फिर चलेंगे पेपर देने। पहुँच गया मैं घर और गेट खुला ही था तब से। ऐसे इसको ऐसे ऐसे इसको निकालते हैं इधर से। लो जी ते अपने रूम में छोड़ दिया है अंदर मैंने वो, भाई साहब हमारे लगेंगे सफाई करने में। थोड़ी देर पढ़ता हूँ मैं, फिर उसके बाद निकलना है यूनिवर्सिटी। आधे घंटे में थोड़ी देर रिवाइज करता हूँ कि क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद निकलेंगे फिर। मतलब आधे घंटे से आई बीन स्टडिंग अ थ्योरी, ये पॉलिटिकल साइंस की एक थ्योरी है जिसमें कुछ था रिलेशंस वगैरह, बहुत कुछ एक वास्ट टॉपिक था। मतलब पूरा एलैबोरेशन के बाद लास्ट पे देखना क्या लिखा हुआ है। फाइनली दिस थ्योरी इज इलीगल एंड मिसलीडिंग। भाई अगर ये थ्योरी मिसलीडिंग थी और इलीगल थी तो इतना देर मैंने अपना दिमाग क्यों ख़राब किया इस थ्योरी के पीछे, और इसका बेसिस क्या है अगर ये मिसलीडिंग है और इलीगल है, तो फिर ये पढ़ाई क्यों है। हमारे भाई साहब आ गए हैं हमारा एग्ज़ाम, मैं पढ़ रहा था अभी और जस्ट ये आ गया है रेडी होकर। कैसी तैयारी भाई? तैयारी फुल है मेरी। फुल है? पाड़ देंगे सिस्टम, सिस्टम पाड़ देंगे आज। हाँ और कितना पढ़ा? पढ़ ही रहा हूँ यार अभी। मॉडर्न अप्रोच कर लिया है मैंने अभी, बिकॉज मैं थोड़ा जल्दी उठा, तो अब मैं रेडी होता हूँ, उसके बाद निकलते हैं हम यूनिवर्सिटी, देखते हैं आज का एग्जाम कैसा होगा हमारा। रेडी हो गया हूँ मैं यूनिवर्सिटी के लिए और अब हम निकल रहे हैं। तो फेल भी यहाँ पे थोड़ा सा आज हमें लेट हो गया, तो यहाँ से निकलते हैं सीधा, मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। लिया है हमने शूज़ और अब निकलते हैं हम यूनिवर्सिटी एग्जाम देने। ये रहा अपना हीरो, कम ऑन चल चल चल, ब्लैक कर दे बाबा, ब्लैक कर दे बाबा, ब्लैक कर। यूनिवर्सिटी में एंटर कर लिया है हमने और अब सीधा अपने सेंटर चलते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम गए थे तो हमें पता है कि वो कहाँ पे है। स्ट्रेट सीधा वहीं चलते हैं, स्कूटी अंदर भाग लगाते हैं और थोड़ी देर अंदर जाके देखते हैं। सीधा रखे तू जाइए। फिर अभी एग्ज़ाम को अभी इट्स मतलब आधा घंटा बचा हुआ है, तो अभी मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी देर के बाद मैं सेंटर में चला जाऊँगा अपने एग्ज़ाम वाले। तो अभी वेट करते हैं थोड़ी देर, यहाँ बैठते हैं ये कुछ ऐसी जगह पे। और हुआ ये कि तुफेल जो लड़का मेरे साथ आया था उसका रोल नंबर घर पर रह गया, तो अभी रोल नंबर लाने घर चला गया। लेट्स सी कब आता है, उसका वेट करता हूँ मैं, फिर उसके बाद साथ में हम क्लास में जाएंगे। है तूने पिन सिलाई इसकी? रोल नंबर लाया कहाँ है? दिखा घर पे क्यों छोड़ दिया था? भूल गया था और क्या। तो फेल कहाँ जा रहे हैं यार? अभी हम जा रहे हैं एग्जाम सेंटर के अंदर एग्जाम देने, तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एग्जाम देने के बाद ही, जब बाहर आऊंगा उसके बाद हम बात करते हैं जरा कैसा हुआ एग्जाम। तो फेल कैसा एग्जाम, रेडी है?
अभी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। क्या ऑल द बेस्ट। सो पेपर हो गया है मेरा फाइनली डन एंड आई जस्ट केम आउट ऑफ द सेंटर। ये रहा मेरा पेपर, अच्छा ही हुआ जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा हुआ है, बट लेट्स सी अब रिजल्ट पर ही पता चलेगा यार। समहाउ अब मैं तो निकल गया हूँ बाहर, अभी बच्चे वहीं पेपर कर रहे हैं, अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज मैं थोड़ा जल्दी आ गया, मेरा पेपर हो गया था यार। सीन हो गया, एक सीन ये हुआ है कि तो फेल अंदर पेपर दे रहा है और मेरी स्कूटी का उसने लगाई थी कहीं और मैं वहीं पे अंदर ही था, मुझे पता ही नहीं है मैं स्कूटी ढूंढ रहा हूँ यार अपनी, कहाँ ढूंढूंगा यार। अभी उन्होंने काफ़ी लेट आना है पेपर दे के और मुझे मेरी स्कूटी नहीं मिल रही है, बाहर इतनी धूप है और मैं चल रहा हूँ पेड़ों के नीचे मज़ेदार। इतना सा मेरे को याद है कि उसने एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले कहा था कि वो कॉमर्स वाली पार्किंग में लगाई हुई, बट लेट्स चेक वहाँ जाके देखते हैं। और आगे चलने के बाद मुझे फाइनली अपनी स्कूटी मिल गई है, यहाँ पे लगाई थी स्कूटी इसने। अब निकलते हैं यहाँ से पहले अपने भाई के पास, फिर तो फेल का वेट करेंगे, उसके बाद जब वो आएगा उसके बाद निकलेंगे हम घर। चलते हैं पहले यार अपना यूनिवर्सिटी का फ्लैग होस्टिंग वाली जगह जहाँ पे फ्लैग होस्ट किया जाता है, और इसके स्ट्रेट पीछे है लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, वो जो वहाँ दिख रहे हैं ना वाइट कलर की बिल्डिंग, वो लाइब्रेरी अपनी है। ये अपना फ्लैग होस्टर है यहाँ पे, और ये वाइस चांसलर का ऑफिस है इस साइड जम्मू यूनिवर्सिटी के। ये रहा अपना हॉस्टल, यहाँ पहुँच गया हूँ मैं, और आज हम हॉस्टल अंदर जाके देखेंगे कि अंदर से कैसा है जम्मू यूनिवर्सिटी का हॉस्टल। चलते हैं अंदर, लेट्स सी। अंदर चलेंगे भाई के रूम में, कुछ ऐसे है अंदर से। हाय ब्रो, से निकल गया मैं हॉस्टल वगैरह अंदर से देख के, तो अब मैं वहीं पे रुकता हूँ जहाँ पे तो फेल वगैरह आएंगे, उनका वेट करता हूँ मैं, फिर निकलेंगे हम घर जब वो आएगा बाहर। तो बच्चे नहीं आए अभी तक बाहर यार, बहुत कम क्या निकले ही नहीं है अभी तो। आ गया भाई अपना पेपर दे के बाकी बच्चों से पहले। ब्रो क्या किया, कैसा हुआ, सब कुछ अच्छा? कितने पेज भरे? मैंने 30। चल रुकना है 5 मिनट यार, ये कह रहा है कि अब चलते हैं घर, देखते हैं जरा पेपर इसका, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ, फिर कैंटीन वगैरह जाएंगे उसके बाद चलेंगे घर। सारे शलारू पेपर दे के अब इन्होंने शोर उठाना है यहाँ पे आधा एक घंटा, कैसा हुआ ये हुआ वो हुआ। चलते हैं यार अब घर, हो गया यहाँ का सारा कंप्लीट। घर जा रहे थे हम और ये यहाँ पे कुछ गाड़ी कहीं चढ़ गई है। ऐसा कुछ सीन हो गया है यार, यहाँ पे गाड़ी पूरी लग गई है नीचे से, रोड से पूरी साइड हो गई यार ये। सारे हेल्प कर रहे हैं इसको खींचने के लिए, ये ऊपर ये हमने चढ़ा दिया है इसको ऊपर और यहाँ। तो फेल को घर छोड़ दिया मैंने अभी, और अब मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ। अभी जो क्लिप्स देखी थी आपने इससे पहले, वो यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था तो रास्ते में कोई था लड़का, एक छोटा ही था वो, तो ही वॉज ड्राइविंग कहीं पे, शायद उसको बैलेंस नहीं हुई गाड़ी और उसने बजा दी पोल के साथ वहाँ पे। तो अभी बस वहाँ से वो गाड़ी निकलवाई और अब हम घर जा रहे हैं, इसको तो फेल को छोड़ दिया, अब मैं घर निकलता हूँ, मिलता हूँ आपसे घर पर ही सीधा। रीच्ड होम। कौन है, फ्रेंड और दादी? तो फाइनली आई रीच्ड होम जस्ट नाउ, और बहुत ज़्यादा हैक्टिक दिन था आज का, आपने तो देख लिया गया क्या, एग्ज़ाम दिया, सेकंड एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया, अब तीन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं मेरे, अब देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। एग्ज़ाम्स के बाद मे भी थोड़ा चलें कहीं ट्रिप वगैरह पे, फ़िलहाल तो अभी
जा नहीं सकते जब तक एग्जाम्स वगैरह हैं, तो उसके बाद हम चलेंगे कहीं इंशाल्लाह। वन मोर थिंग, लेट मी नो योर फेवरेट पार्ट ऑफ द व्लॉग इन द कमेंट, और मेरे को बताना कमेंट करके कि आपको व्लॉग में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस अप एंड हिट द बेल आइकन। तो आज का व्लॉग करता हूँ मैं यहाँ पे एंड, आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून विद अ न्यू व्लॉग। बाय।